हाउ आर यू, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो गॉस्ट के एप्लीकेशन के ऊपर बनाई थी। उसमें क्या था, हमने क्या रहा था, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, कंडक्टिंग वायर लिया था, और उसकी है उसकी हेल्प से हमने क्या करा था, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या करा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो यही काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो फ्लक्स होता है, उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जो एप्लीकेशन थे हमारे गॉस थ्योरम के, वो पहला एप्लीकेशन जो था वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से था। अब दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एक स्फेरिकल सेल की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है, वो इस तरह का स्फेरिकल सेल होता है कि गोल जो स्फेरिकल बॉडी होगी, तो उसमें क्या होगा कि हम यहाँ देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल सेल है तो इसके एक आउटर मोस्ट, मतलब एक सरफेस, हम मान लो ये स्फीयर है, हम क्या करेंगे इसके आउटर पॉइंट लेंगे एक, इसके बाहर वहां उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, इसकी सरफेस पे और इनसाइड इसके अंदर। तो तीन पॉइंट मैं यहाँ पर डालूंगा आपको, एक पॉइंट पी हो जाएगा और एक पॉइंट क्यू हो जाएगा और एक पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, अंदर ले लेंगे यहाँ में, उस पॉइंट को एस नाम देंगे। तो फिलहाल अभी मतलब तीन कंडीशन हमने सीखनी है। तो पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, एक मैं स्फीयर ले लूंगा, मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया है, उसके पॉइंट आउटर मोस्ट जो सरफेस है, मतलब आउटर सरफेस नहीं बोलेंगे, आउटर फील्ड जो है, मतलब ये स्फीयर है, इसके बाहर कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने, उस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे हम, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे इस पी पॉइंट से होती हुई जाती हुई। तो हमने क्या करा, एक पी पॉइंट पर ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर से हमने दिखा दी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और एक चीज देखने वाली ये है कि अगर मैं इसका, मान लीजिए मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये कैसा है, पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देखो इस डायरेक्शन में जाएगा, जब आर वेक्टर इधर है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, आर कैप, ठीक, वो मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब इसका जो हमारा सरफेस का वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर की अगर बात करेंगे, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड द नॉर्मल सरफेस के, और इसका सेंटर ये है, तो यहीं पर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा उसका। तो मैंने उस वेक्टर को किससे दिखा दिया, एन कैप से उसकी डायरेक्शन में। तो जो हमारा हमने क्या करा, इसकी सरफेस से एक एरिया एलिमेंट ds काटा, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो एन कैप किधर जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ ही जाएगा, यानी कि इनमें जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतना तो मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ ये सेम डायरेक्शन होती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा जो है एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, दिए अगर हमने कोई एरिया काटा तो वो भी इसी डायरेक्शन में, तो ये जब सेम डायरेक्शन में होते तो इनमें एंगल थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, सेम मतलब पैरेलल जाएगा उसके, उसी लाइन पे जाएगा, तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले गॉस थ्योरम से, क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ दिख नहीं रही होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर रख कर लेता हूँ। तो ये मतलब फिगर समझ में आ गई ना आपको, उस फिगर समझ में आई होगी आपको ये कैसे करना है। तो यहाँ पर जो मैंने गॉस थ्योरम थी हमारे पास में, तो वो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पहले ये देखो जो लिखा है वो समझ लेंगे हम। देखो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए
ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब आउटसाइड द सेल का मतलब है सेल के बाहर किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट यही है। तो इसमें कंसीडर, हमने जो मैंने बोला वही लिख रहा लिखा है यहाँ पर, कंसीडर थिन स्फेरिकल सेल, मतलब एक स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर कर लिया है। वो कैसा, थिन है, पतला है, रेडियस आर, रेडियस की जीर कितनी है उसकी स्फेरिकल सेल की, आर, कैपिटल आर, एंड सेंटर ओ, और उसका सेंटर क्या है, ओ है, विद चार्ज पॉजिटिव क्यू, और इसके सरफेस के ऊपर रिसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उसमें जब चार्ज, उसको बॉडी को चार्ज किया जाता है तो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के आउटर सर्फेस पे चार्ज रिसाइड करते हैं, तो वो चार्ज क्या जाएंगे, इसके आउटर सर्फेस पे जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द सेल यूनिफॉर्मली, मतलब क्या है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यूनिफॉर्मली से मतलब समझते हैं आप, हर जगह एक जैसे चार्ज होंगे, और गॉस थ्योरम कहती भी यही है कि भैया चार्ज के अबाउट सरफेस की कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सब चार्ज हैं तो इसके अबाउट सिमेट्री बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लूंगा, जो ये डॉटेड लाइन से आपको गॉसियन सरफेस दिखाई गई है, और गॉसियन सरफेस मैंने बोला था, जब गॉसियन सरफेस का नाम लूंगा तो आप क्लोज्ड सरफेस अपने दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे, क्लोज सरफेस आपको अपने दिमाग में रखना है कि गॉसियन सरफेस कैसी होती है, क्लोज सरफेस होती है, और वो चार्ज पे डिपेंड करती है कि हमको गॉसियन सरफेस कैसा अज्यूम करना है। तो मैं कहता अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है आपने, जहां जहां जैसा बताया जाएगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिसपे चार्ज कंडक्टर होगा, तो उस चार्ज कंडक्टर पे हमें क्या लेना, सिलेंडर अज्यूम करना है, और जब स्फेरिकल सेल की बात होगी तो वहां पर एक स्फेयर ही गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। तो हमने गॉसियन सरफेस पी पॉइंट से होती हुई जाती हुई हमने एक गॉसियन सरफेस कर ली, जिस बड़े वाले जो आउटर सेल दिख रही है आपको, आउटर स्फेयर है, उसकी रेडियस कितनी है, आर है, मतलब यहाँ से सेंटर से उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर वेक्टर है। तो यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, हम किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इमेजिन ए स्फेयर, हमने क्या करा, एक इमेजिन कर लिया एक स्फेयर, यानी कि इसको बोलेंगे स्फेयर को गॉसियन सरफेस विद सेंटर ओ, जो कि सेंटर क्या होगा उसका, ओ होगा, मतलब इसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड रेडियस आर, और जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब हमें गॉस लॉ क्या बताता है कि जो फ्लक्स होता है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसमें चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, तो जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्या होता है, और होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये होता है। ठीक, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू इतना, और यही क्या होता है हमारे पास में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है ये। तो ये चीज हमें गॉस थ्योरम ने दी है, गॉस ने दी है भैया इतना बराबर इतना होता है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो डीएस है, मैं जो ये एरिया एलिमेंट डीएस काटा हुआ है, तो ये स्फीयर है ना, तो इसका अगर मैं सरफेस निकालना चाहूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², यही तो होता है एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इसका मतलब आर क्या है, यार रेडियस है, अब रेडियस इसके लिए कितनी अज्यूम किया है आपने, आर वेक्टर अज्यूम करी हुई है, तो आर वेक्टर का मतलब स्मॉल आर ही है ना, तो स्मॉल आर हमने ले ली। तो यहां पर हम जब इसको फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इतना बराबर इतना है, तो इसको हम ले सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल है एस सरफेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर आ जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह सेम ही है, और गॉस थ्योरम में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब कांस्टेंट सेम है, तो कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती हैं। अब ये डीएस वेक्टर हो गया, इज इक्वल्स टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में हमें निकालना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डीएस है, तो इसका मतलब जो डीएस एरिया एलिमेंट है बहुत स्मॉल, उसके लिए कितना है एरिया, ये 4πr², तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, इस पूरे इंटीग्रल की जगह 4πr² लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा है। यहाँ ध्यान दो कि अगर मेरे पास में क्लोज्ड इंटीग्रल ये है, कितना है ई डीएस वेक्टर है,
तो ये तो छोटे एरिया के लिए है ना, अगर मैं पूरा निकालना चाहूँ, पूरा पे चाहिए मुझे फ्लक्स, तो पूरे में फ्लक्स क्या होगा, इस डीएस की जगह में एरिया आ जाएगा ना, खाली एस रह जाएगा सरफेस, क्योंकि जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है, जैसे आपको इंटीग्रेशन, मैं बेसिक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ बर्न डॉट डीएस, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वो इंटीग्रल आता है निकल के एस, मतलब जिसका ये वेरिएबल दे रखा है, अगर वन का इंटीग्रल करोगे तो जो जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ दे रखा होगा डीएस लिखा हुआ, उसका एस उतर जाता है, डी खत्म हो जाता है इंटीग्रल से, तो ये सिर्फ एस आएगा। तो ऐसे ही यहाँ क्या है, ये सरफेस हमारी है कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस पूरा जो क्लोज इंटीग्रल है और ये हमारे पास में डीएस वेक्टर है, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो ये डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, मुझे ई वेक्टर निकालना है, ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई एट पॉइंट पी, और किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैलकुलेट हो गया, आ गया आउटसाइड द सेल। ठीक है भाई, तो इतना नोट कर लेंगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन। अब यहां एक चीज बात ये ध्यान देने वाली है कि आउटर सरफेस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखो 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस बदलेगी नहीं, हर जगह कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो क्यू चार्ज बदलेगा नहीं, हर जगह सेम है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई ना, तो इसकी जगह प्रोपोर्शनल साइन लगा सकता हूँ और मैं आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ इसको, यानी कि पर ये सब, ये देखो क्यू पर क्यू सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो इन चीजों को 1.4 पाई, ये सब क्या ले लिए मैंने, कॉन्स्टेंट ले लिए, और आर स्क्वायर को मैं मतलब रेडियस वेरी करा सकता हूँ इसकी, अगर बढ़ाना चाहूँ, टी पॉइंट जरूरी थोड़ी नहीं है, यही हूँ टी पॉइंट आउटर में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो आर को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे रिलेशन लेना होगा, तो वो किस में लेना होगा कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस स्फेरिकल जो बॉडी है इससे आप डिस्टेंस पी पॉइंट की बढ़ाएंगे, आर जैसे जैसे वेरी कराएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि इस सेल से चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ भैया इसके प्रोपोर्शनल में आर स्क्वायर आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, लॉन्ग स्टेट करंट कंडक्टिंग लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के केस में हमने कह रहा था वहां पर क्या आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ध्यान देना उस वीडियो में, 1 अपॉन आर आ रही थी, वहां पर क्या आ रहा था 1 अपॉन आर आ रहा था, यहाँ आर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब रेडियस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो सॉरी आउटर सरफेस से बाहर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन। अब इसको पढ़ने के लिए आसानी के लिए हम पता क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पता है ये हमारे पास में बहुत आसान होता है पढ़ने के लिए, इसलिए हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिख रहे हैं, क्यू ओवर आर स्क्वायर ये लिखा हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो आपको ये फार्मूला देगा, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपको आने वाली वीडियोस में हम और भी ट्रिक्स बताएंगे।